हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोगों के बीच एक नब्रो के साथ आया हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप के हुए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे स्टीडीपी चैनल में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग बताता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी जो है TSPSC के द्वारा निकाला गया है। मैं इसका फुल फॉर्म बता दूँ तो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। जैसा कि अपने बिहार में BPSC का एग्जाम होता है, उसी तरह यहाँ पे तेलंगाना सरकार के द्वारा सर्विस एग्जाम लिया जा रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने BE/BTECH किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो आपका सैलरी मिलने वाला है, मिनिमम सैलरी आपका 50,000 से शुरू होने वाला है और मैक्सिमम आपका 1,40,000 तक आपका जाने वाला है। तो जॉब जो है बहुत अच्छी जॉब है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट भी है बहुत अच्छी खासी पोस्ट निकली हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे STDP चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि आपको नई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल पर जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं तो आपको TDP के चैनल से हर दिन आपको एक नई जॉब की वैकेंसी जरूर से जरूर मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले जो जॉब की अपडेट होती है वो TDP के द्वारा आपको निकाली जाएगी। तो आप लोगों को जरूर TDP से जुड़ना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग बताता हूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, क्या हम लोगों को क्राइटेरिया फॉलो करने होंगे। तो इन सभी चीज़ को हम लोग फुल डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, यहाँ तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से वैकेंसी निकाला गया है जो कि हैदराबाद के अंदर में ये आता है। और दोस्तों, मैं आप लोग बता दूँ तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा लंबा है, तो जिसमें जो इसमें मेन होगा मैं वही चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड कर लेना है, एक बार अपने से अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ऐसे अगर मुझसे कुछ छूट जाए तो वो आप अपने से पढ़ के भी वहाँ पे देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो कि इसका वेबसाइट यहाँ पे ये दिया गया है। और फिर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट 2/5/2022 से स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी लिंक जो होगा उसको दे दूंगा, आपको 2 तारीख के बाद उसको ओपन कर लेना है। जो इसका लास्ट डेट होने वाला है 31/5/2022 तक होने वाला है, जो कि आप लोग देख सकते हो 11:59 पे आपका ये लास्ट डेट होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो भी आपका मतलब एडमिट कार्ड आएगा वो 7 डेज पहले आएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने मेंशन कर दिया। चलिए मैं आप लोगों को पोस्ट के बारे में बताता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो वैकेंसी 2 तारीख से लॉन्च होने वाली है उसका सबसे पहले अपडेट TDP के द्वारा दिया जा रहा है। तो आप लोगों को बिलीव रखना है, TDP से जरूर जुड़ो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट के बारे में मैं बता दूँ तो डिप्टी कलेक्टर के रूप में अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच से, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 42 सीट यहाँ पे रखा गया है। और इसमें एज लिमिट की मैं बात करूँ तो इसमें जो एज लिमिट रखा गया है 18 से 44, मतलब 18 साल मिनिमम आपका, 44 साल मैक्सिमम है। फिर इसमें मैं स्केल पे के बारे में, मतलब आप इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाला है 58,850 रुपया से लेके 1,37,050 रुपया तक आपको सैलरी इसमें मिलने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैटेगरी सेकंड के अंदर में आता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बताता हूँ, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 91 सीट यहाँ पे दिया गया है। और इसमें जो एज लिमिट रखा गया है 21 से 31 रखा गया है। और इसमें जो आपका सैलरी मिलने वाला है 58,850 रुपये से लेके 1,37,050 रुपया तक मिलने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड नंबर पे आता है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 48 है। और इसमें जो एज लिमिट रखा गया है 18 से 44 रखा गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। और इसमें जो आपका सैलरी मिलने वाला है 50,050 रुपया से लेके 1,37,050 रुपया तक आपको मिलने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर का पोस्ट है ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ जो सीट है 4 सीट है। और 21 से 44 साल के ही इसमें पर्सन अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाला है 54,220 रुपये से लेके 1,00,000
33,630 रुपये आपको मिलने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के लिए यहाँ पे निकाला गया है, टोटल नंबर ऑफ सीट 5 है और 1844 यहाँ पे रखा गया है और इसमें जो सैलरी आपको रखा गया है 54,200 से लेके 1,33,630 रुपये आपको रखा गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स के लिए यहाँ पे मेन ओनली अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और इसमें जो नंबर ऑफ सीट रखा गया 2 और 18 से 31 साल इसमें अप्लाई कर सकते हो और 54,200 से लेके 1,33,630 रुपया इसमें रखा गया है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर लेबर सर्विसेज के लिए यहाँ पे रखा गया है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट है 8 और इसमें जो एज लिमिट की मैं बात करूँ तो एज लिमिट जो है 18 से 44 साल यहाँ पे रखा गया है और इसमें जो सैलरी आपको मिलने वाला है 54,220 रुपये से लेके 1,33,630 रुपये मिलने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो म्युनिसिपल कमिश्नर ग्रेड सेकंड के लिए जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट रखा गया है 41 और इसमें एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 1844 और 51,320 रुपये से लेके 1,27,310 रुपये। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लास वेलफेयर ऑफिसर के लिए यहाँ पे रखा गया है जो कि आप लोग देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ सीट जो है टोटल 5 है और 18 से 44 इसमें अप्लाई कर सकते हो 54,220 रुपये से लेके 1,33,630 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे निकाला गया है, कुछ पोस्ट यहाँ पे छूट जा रहा है लेकिन मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लेना ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है ज़्यादा लंबा है तो सारे पोस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो जो है बात काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इसमें नंबर ऑफ सीट जो है 2 सीट है और 18 से 44 में अप्लाई कर सकते हो और 51,320 रुपये से लेके 1,27,310 रुपये तक आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। तो इसी तरह ये सब जितने भी वैकेंसी दिया गया है आपको इसमें पढ़ लेना है। लास्ट वैकेंसी मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पर निकाला गया है जो कि 121 सीट यहाँ पर रखा गया है जो कि सबसे ज़्यादा सीट इसी में है और 18 से 44 साल जिनका भी उम्र है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें सैलरी की बात करूं तो 51,320 रुपये से लेके 1,27,310 रुपये आपको मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट कुछ दिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हो। इसमें जो आपका एग्जाम होगा 2 एग्जाम होगा, एक प्री होगा एक उसके बाद मेंस होगा जो कि आप लोग देख सकते हो। प्री में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस में आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो। तो जो आपका प्री एग्जाम होगा अगस्त 2022 में होगा और जो आपका मेंस एग्जाम होगा दिसंबर 2022 में होगा, नवंबर या दिसंबर में होगा जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पे इस डेट को आगे बढ़ाया भी जा सकता है घटाया भी जा सकता है, अभी कन्फर्म नहीं है ठीक है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो ये सब चीज़ जो है यहाँ से पढ़ लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है तो क्या नोट है तो आपको ये सब पढ़ लेना है और इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया गया है मतलब आपके पास आधार कार्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब आपको रहना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बता दूँ तो आप अपना यहाँ पे पोस्ट देख लेना जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे। जैसे कि मैं एग्जांपल में आप लोगों को बता देता हूँ डिप्टी कलेक्टर सिविल सर्विसेज के लिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था अगर बीटेक किए हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हो जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बीटेक वालों के लिए दिखा देता हूँ तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया अगर आपने बीटेक किया है मैकेनिकल ब्रांच ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से ये सब से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सब चीज़ जो है आपको अपने से पढ़ लेना है जितने भी पोस्ट दिए गए हैं उनका क्वालिफिकेशन सामने आपको दिया गया है। फिर मैं और बता देता हूँ तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर के लिए यहाँ अगर आपने आर्ट से ग्रेजुएशन किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये सभी चीज़ आपको अपने से पढ़ लेना है जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे यहाँ पे आप अपना उसका क्वालिफिकेशन देख लेना। फिर हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं तो ये सब चीज़ आपको जो भी चीज़ यहाँ दिया गया है ये सब चीज़ आपको अपने से पढ़ लेना है। डिस्टेंस एजुकेशन वाले के लिए यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है तो जो लोग भी डिस्टेंस से बीएड बीटेक किए हो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हो जो कि यहाँ पे देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिजिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पे कुछ दिया गया है जो कि आपका 167.6 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट और जो आपका चेस्ट होना चाहिए 86.3 सेंटीमीटर होना चाहिए जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो ये सभी चीज़ जो है आपको अपने से पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये सब जो स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 ये सब जो है आपको बीमारी के बारे में दिया गया है अगर ये सब बीमारी है तो आपको इसमें थोड़ा दिक्कत होने वाला है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। पोस्ट कोड का यहाँ पे कुछ दिया गया है तो ये सब चीज़ जो है आपको पढ़ लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया एज के बारे में भी बता दिया कि मिनिमम आपका एज जो है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका उसमें गिवन दिया हुआ है 18 साल और 21 साल दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सभी चीज़ आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी आपका मिनिमम एज जो 18 साल होना चाहिए
1/7/2004 तक ही होना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे ये सब जो चीज है 18 साल 31 साल कितना तक रखा गया है ये सभी चीज आपको पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कैटेगरी कैंडिडेट मतलब कि जो लोग भी तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी जिस कैटेगरी से आते हो वो अपना यहाँ पे आप अपना देख सकते हो। अदर स्टेट वालों जो लोग भी अप्लाई करोगे उन लोगों के लिए ओनली जनरल कैटेगरी में आपका होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सभी चीज़ जो है आपको पढ़ लेना है। और साथ ही साथ मैं इसमें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दूं तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को बनने वाला है वो 200 रुपया बनने वाला है और एग्जामिनेशन फ़ी जो होगा वो आपका 120 रुपया होगा। तो दोनों फ़ी मिलके कटेगा, पहले आपको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी कटेगा 200 और फिर एग्जामिनेशन फ़ी आपसे 120 रुपया लिया जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सब जो चीज़ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो STSC EW जो लोग भी तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है। तो ये सब चीज़ जो है आपको पढ़ लेना है अपने से। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आपका प्री और मेंस का जो एग्जाम होगा वो तेलंगाना के इसी सब डिस्ट्रिक्ट में आपको होने वाला है, जो कि आप लोग देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो 17 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया गया, नहीं सॉरी 33 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे दिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सब जो चीज़ है आपको अपने से पढ़ लेना है और यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है ये सभी चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसी वेबसाइट पे आपको जाके वहाँ से रजिस्ट्रेशन फ़ी जैसा कि मैंने आपको बताया उसी तरह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ़ी आपको कटेगा, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी भी कटेगा। तो ये दोनों चार्ज आपको इसी में कटेगा और जो भी आपका पेमेंट होगा वो ऑनलाइन कटेगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये सभी चीज़ जो है आपको अपने से पढ़ लेना है और यहाँ पे जनरल प्रोविडेंट कुछ दिया गया है तो ये सभी चीज़ आपको पढ़ लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सब जो चीज़ है आपको अपने से पढ़ लेना है। ये सब डॉक्यूमेंट जो है आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। तो ये सभी चीज़ जो है आपको देख लेना है। ऑल ओवर इंडिया अप्लाई है तो आप लोगों को जरूर से जरूर इसमें अप्लाई करना है और नंबर ऑफ सीट जो है इसमें बहुत अच्छी खासी सीट है। तो ये सभी चीज़ जो है आपको अपने से पढ़ लेना है। चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट सिलेबस पे ले चलता हूँ कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो हम लोग नीचे स्लाइड करके चले आएंगे तो ये यहाँ पे देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। तो ये सब चीज़ आपको अपने से पढ़ लेना है, ये हम लोगों का काम का नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्ट सिलेबस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से आपका सिलेबस जो है स्टार्ट होता है। तो ये सभी चीज़ जो दिया गया ये सब आपका सिलेबस है। जो भी BBTech से बिलोंग करोगे उन लोगों के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। जिनका भी जो सब्जेक्ट रहेगा वो अपना यहाँ पे चेक कर लेना और जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उस पोस्ट का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो आप लोगों को इसी सिलेबस के अंदर से पूछा जाएगा। तो आप लोगों को फुल तैयारी करके जाना है और एग्जाम पास आउट करके आना है, ठीक है। और TDP के व्हाट्सअप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, जो लोग भी पास करोगे हमको मिठाई खिलाना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ जो है यहाँ पे दिया गया है तो ये सब चीज़ आपको अपने से पढ़ लेना है। ये सभी जो है ये आपका सिलेबस है तो ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। दोस्तों आई होप आप लोगों को जो भी मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपने TDP के सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया तो उसको जाके जरूर फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का लिंक दे दिया है तो आपको फॉलो एवं ज्वाइन करना भूलना नहीं है, क्योंकि मैं उस पर सबसे पहले अपडेट देते रहता हूँ तो आप लोगों को वो अपडेट सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ हमारे इस TDP चैनल पर कैट का सीरीज चलाया जाता है, अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप सिंपली जाके उसका वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाते चाहते हैं स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।